हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपको करना है, ये आपकी फाइल में, ठीक है। इसमें 4 दिया हुआ है क्योंकि आपके पास चॉइस है, तो आपकी फाइल में ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए आपको दो प्राइमरी सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर कैसे करते हैं, हम दोनों को निकाल के उनकी रेशियो निकाल देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कंपेरिजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, कि क्या क्या ऑपरेटर्स हमें चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर जिस जिस सामान का हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल करते टाइम, सबसे पहले तो हमें चाहिए पोटेंशियोमीटर। क्या चाहिए? पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर आपकी लैब में 4 वायर का भी होता है। 4 वायर का मतलब 400 सेंटीमीटर का, और 10 वायर का मतलब 1000 सेंटीमीटर का भी आपके पास पोटेंशियोमीटर होता है। इन जनरल हम 400 सेंटीमीटर वाले से ही करते हैं, जिस उसको हम बोलते हैं 4 वायर पोटेंशियोमीटर। जिस पे 10 बनी होती है उसको हम बोलते हैं 10 वायर पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसमें हमें दो प्राइमरी सेल चाहिए। एक मेरे पास हो गया लेक्लेंचे सेल, दूसरा हो गया मेरे पास डेनियल सेल। और उसके बाद हम यूज करते हैं गैल्नोमीटर। गैल्नोमीटर का यूज करते हैं हम डिफ्लेक्शन को नोटिस करने के लिए। फिर हम यूज करते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट का हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए। वन वे की यूज करेंगे, टू वे की यूज करेंगे। की का वही काम होता है, स्विच ऑन और ऑफ करना, सर्किट को ओपन और क्लोज करना। जो की यूज करेंगे गैल्नोमीटर से अटैच करके पोटेंशियोमीटर वायर पे। कनेक्टिंग वायर सारे कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। लेक्लेंचे सेल और डेनियल सेल आपको बता दिया गया है। ये कैसे बनाने हैं इसके लिए भी आपके पास एक वीडियो डाल दी गई है कि कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एमिटर। एमिटर करंट दिखाता है। और सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल जो एक्सटर्नल वोल्टेज को सप्लाई करता है। सेकेंडरी सेल की जगह आप बैटरी एलिमिनेटर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बैटरी एलिमिनेटर या सेकेंडरी सेल होती है, इसकी वोल्टेज हमेशा डेनियल सेल और लेक्लेंचे सेल इन दोनों से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि आपको पता है डेनियल सेल 1.1 वोल्ट के आसपास होता है, लेक्लेंचे सेल 1.4 वोल्ट के आसपास होता है। तो आपको इससे ज़्यादा वोल्टेज करनी है, यानी आप 4 वोल्ट पे या 6 वोल्ट पे बैटरी एलिमिनेटर रख के कर सकते हो। वो तो आपका 2 वोल्ट से भी जाता है, लेकिन प्रेफर करो 4 या 6 वोल्ट रखना। एमिटर आपके करंट को मेजर करेगा, ठीक है। सैंड पेपर आपको वायर को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं थ्योरी क्या है। पोटेंशियोमीटर जो हमारा डिवाइस है, टू मेजर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। एंड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो देख लेते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉर ए कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरिंग स्टेडी करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए गिवन लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। आपको यही लेंथ मेजर करनी होती है प्रैक्टिकल में, जहाँ पे गैल्नोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना शो करेगा बेटा, 0 शो करेगा, ठीक है। तो आप पहले डेनियल सेल के लिए निकाल लेंगे, फिर लेक्लेंचे के लिए। एक को आप E1 नाम दे देना, एक को E2, ठीक है। उनके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ हो जाएगी L1 और L2। यही आपको प्रैक्टिकल में निकालना है। प्रोसीजर जो आपको बताया जाएगा, ये आपके पास सर्किट डायग्राम है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, कनेक्शन करने हैं। ये देखो ई, ये आपका सेकेंडरी सेल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर भी लगा सकते हैं। इसका नेगेटिव एमिटर के नेगेटिव से, एमिटर का पॉजिटिव रियोस्टेट से, फिर की लगाएंगे। ई का 400 सेंटीमीटर वाले एंड से पोटेंशियोमीटर से अटैच करेंगे। दूसरा एंड जो पोटेंशियोमीटर का होगा, वहाँ पे लेक्लेंचे सेल डेनियल सेल लगाएंगे। E1 लेक्लेंचे सेल मान लिया, E2 डेनियल सेल। कोरस्पॉन्डिंग लेंथ L1 L2 हो जाएगी। यहाँ पे की लगाएंगे, की यहाँ पे टू वे की लगेगी। टू वे की क्यों लगेगी, एक बार एक सेल को ओपन करेंगे, दूसरी बार दूसरे सेल को ओपन करेंगे। ऐसे ही हमारा गैल्नोमीटर, ठीक है। गैल्नोमीटर से हमारी जो की अटैच होती है, जो पोटेंशियोमीटर वायर पे हम इधर उधर करके देखते हैं कहाँ डिफ्लेक्शन 0 आता है। उसके बाद मेरे पास टेबल बनती है, ठीक है बेटा। ये आपकी टेबल है, पोटेंशियोमीटर बैलेंसिंग लेंथ। आप 4-5 अलग अलग रीडिंग ले लोगे, ठीक है। आपकी वायर पे कई पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे क्या होगा, जो गैल्नोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा। तो आपको 4-5 रीडिंग के सेट लेना है, और उसके बाद कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दोनों की रेशियो निकालनी है। अब हम अपने सर्किट को देखते हैं। ये है बेटा आपका पूरा सर्किट डायग्राम। आपको बीच में जो पोटेंशियोमीटर दिख रहा है वुडन का, ठीक है,
उसके बाहर आपके पास ये रखा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ये है आपकी टू वे की। जब आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो आप हमेशा की को निकाल के रखते हैं बाहर, ठीक है। अब आपके पास ये है लैक्लेंचे सेल, ठीक है। ये जो अंदर वाली रोड है ये पॉजिटिव का काम करती है, और ये जो जिंक रोड है ये एनोड यानी के सॉरी कैथोड यानी के नेगेटिव का काम करती है, पॉजिटिव रोड एनोड का काम करती है। इसी तरीके से ये आपका डैनियल सेल है, कॉपर वेसल आपका पॉजिटिव एनोड का काम करता है, जो आपके पास जिंक रोड है ये नेगेटिव कैथोड का काम करती है। आपको बोला था कि इसको ज़्यादा देर तक डाल के नहीं रखना है, बाहर करोगे जब रीडिंग लेते हैं तभी हम डालते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है। फिर आपका देखो बैटरी एलिमिनेटर है, उसके बाद आपका एमिटर रखा हुआ है, फिर आपका रियोस्टेट है, रियोस्टेट की से अटैच है, और की का दूसरा पार्ट पोटेंशियोमीटर से अटैच है। पोटेंशियोमीटर पे देखो ये चार वायर है, पहली वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी 0 से 100, फिर सेकंड की क्या हो जाएगी 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। ये आपको ऐसे देखना है कि देखो जहाँ से पोटेंशियोमीटर मेरा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो रहा है, जहाँ पे आपको कनेक्शन दिख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से जब आप राइट हैंड साइड आते हो इधर, तो आपका पहली जो वायर है उस पर कितना हो जाता है 100 सेंटीमीटर लेंथ, फिर दूसरी जो लेंथ है वो वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपके मेजर करते टाइम ध्यान रखना है, तो वो आपको 100 से क्या देगी 200, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो थर्ड वायर हो जाएगी वो वहाँ से 200 से क्या देगी यहाँ तक 300, फिर जो लास्ट वायर हो जाएगी वो 300 से आपको क्या देगी बेटा वहीं पे जाके ख़त्म होगा 400। आपको लेंथ अलग अलग मेजर करनी है। अब हम अपने कनेक्शन देखते हैं कि हमने सर्किट में कनेक्शन कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैटरी एलिमिनेटर, बैटरी का जो नेगेटिव है हमने किससे यूज किया, एमिटर के नेगेटिव से। एमिटर का पॉजिटिव हमने किससे यूज किया, रियोस्टेट के वन एंड से। रियोस्टेट का सेकेंड एंड मैंने किससे कनेक्ट किया, की के वन एंड से। की का सेकेंड एंड मैंने किससे कनेक्ट करेंगे हम, पोटेंशियोमीटर के 400 वाले लास्ट पॉइंट से, ठीक है। अब हम बैटरी का पॉजिटिव कहाँ यूज करते हैं, हम इस पे यूज करते हैं। दोनों सेल के पॉजिटिव भी हम इसी पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और नेगेटिव दोनों सेल के हम टू वे की से अटैच करते हैं, ठीक है। और की का जो मिड वाला पॉइंट है हमारा, वो हम गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से अटैच करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव मेरा जोकी से अटैच होता है। अब हम लेंगे रीडिंग, उससे पहले हम अपने वोल्टेज को 4 या 6 वोल्ट पे फिक्स कर लेंगे। इसमें हमने 6 वोल्ट पे फिक्स कर रखा है, अब हम इसको करेंगे ऑन। जब जैसे ही आपने ऑन किया, आपकी करंट की कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है, जो एसी सप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। रियोस्टेट से हम करंट की कम या ज़्यादा वैल्यू भी कर सकते हैं। हमने वन वे की में डाल रखा है, इसका मतलब मेरा सर्किट क्या है, ऑन है। अब मैं रियोस्टेट से करंट की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकती हूँ, लेकिन हमें करंट मेजर नहीं करना, हमें तो लेंथ निकालनी है, कंपेयर करना है सेल को। तो देखो ये नेगेटिव सबसे पहले डैनियल सेल के लिए कर लेते हैं। डैनियल सेल डाल दिया, देखो इसमें रिएक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप रखोगे इसमें क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जो इसका डैनियल सेल वाला देखो जहाँ पे अटैच है, ये मैंने की डाली हुई है, ठीक है, की को बिल्कुल टाइट रखना है। और ये देखो ये आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, आपको स्टीम ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। आप गैल्वेनोमीटर से आपका क्या अटैच है, जोकी अटैच है। अब आप अपनी जोकी को उठाएंगे, ठीक है, आपको धीरे धीरे स्लाइड करना है। देखो जैसे ही आपने स्लाइड किया आपको डिफ्लेक्शन एक साइड दिखाई दिया, अब आपको ऐसे ही दूसरे साइड से कनेक्शन को क्या करना है, चेक करना है। जैसे ही आप करोगे आपको अपोजिट डायरेक्शन में देखो डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। अगर आपको डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपकी कनेक्शन एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। हम फिर से चेक कर लेते हैं, डिफ्लेक्शन हमारा देखें, ठीक है बेटा। अगर आपका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रैक्टिकल है उसके कनेक्शन एक्यूरेट है। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो आप हमेशा क्या करेंगे बेटा, सर्किट को फिर से चेक करेंगे, ऑफ करेंगे, की को क्लोज करेंगे और सर्किट को चेक करेंगे कि कोई कनेक्शन लूज या गलत तो नहीं है। अब आपको देखना है कि आपकी जीरो लेंथ कहाँ आएगी, तो आपको धीरे धीरे फर्स्ट हैंड से स्लाइड करते हुए जाना है।
फर्स्ट एंड से करोगे, आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नोट करते रहना है। देखो यहाँ कहीं जैसे ही जीरो आना शुरू हो जाए आपको धीरे धीरे स्लाइड करना इसको बिल्कुल स्मूथली। ये देखो ये आपकी लेंथ आ गई, फर्स्ट लेंथ आ गई। ठीक है, ये 51 कितने सेंटीमीटर पे है आपकी, आप लेंथ की रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही 5-7 रीडिंग और लेंगे, आपकी फर्स्ट वायर पे आ जाएगी, इसी तरीके से आपकी सेकंड वायर पे भी आएगी। ठीक है, आप वो लेंथ की यूनिट रख लेंगे। अब आप क्या करेंगे इसकी को, पहले हम क्या करेंगे, ये रीडिंग हमने ले ली डैनियल सेल को, इसकी जिंक रोड को हम क्या कर देंगे बाहर रख देंगे, हमें जिंक रोड को ज़्यादा देर नहीं डालना। फिर हम कनेक्शन से ये वाला हटा देंगे, यानी मेरा डैनियल सेल जो है वो काम नहीं कर रहा है। ये मेरा कौन सा था, लैक्लेंची सेल। अब हम क्या करेंगे की को डालेंगे, तो किस में, जहाँ लैक्लेंचे सेल का नेगेटिव किस साइड अटैच है, उस साइड। ठीक है, हमने की को टाइट करना है, कनेक्शन को ऑन करना है। अब हम करते हैं बेटा लैक्लेंचे सेल के लिए, पहले हम राइट एंड लेफ्ट एंड साइड अपना क्या करते हैं, जो की को स्लाइड करते हैं, तो हम डिफ्लेक्शन देखेंगे हमारा किस डायरेक्शन में आ रहा है। देखो हमारा डिफ्लेक्शन राइट एंड साइड जा रहा है। अब हम दूसरी साइड चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा हमारा डिफ्लेक्शन किधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ज़्यादा देर आपको नहीं करना है। किधर आ रहा है आपका, राइट। तो आपका डिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है। जब आप अपोजिट एंड पे करते हो, ठीक है, तो आपका डिफ्लेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन शो करता है, इसका मतलब आपका कनेक्शन फिर से क्या है, करेक्ट है। अब हम फिर से जोकी को धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। ठीक है, और लैक्लेंचे सेल के लिए लेंथ को मेजर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ऐसे धीरे धीरे स्लाइड करना। ये देखो बेटा यहाँ पे आपका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आ गया, अब अप्रोक्सीमेटली 0 है। ठीक है, तो आप ये लेंथ मेजर कर लेंगे। अब आपकी ये लेंथ देखो कहीं पे 23 के सामने दिखाई दे रही है, तो 23 नहीं है, 100 वाला एक पूरा हो चुका है, सेकंड है, और सेकंड भी हमारी उधर से मेजर होगी तो ये 100 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 177 मेरे पास कितनी आ गई, रीडिंग आ गई। हम ऐसे ही अलग अलग सेटअप निकाल लेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 0 point something आंसर आ जाएगा। आपको जैसे ही रीडिंग लेनी है उसको ऑफ कर देना है, ज़्यादा देर तक आप कभी भी सर्किट को ऑन नहीं रखोगे। आपको प्रैक्टिकल में इतना ही ध्यान रखना कि आपको कंपेयर करके सिर्फ लेंथ की वैल्यू निकालनी है, और आप EMF कंपेयर कर लोगे, क्योंकि EMF लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया बेटा आपका प्रैक्टिकल टू कंपेयर द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल। ठीक है, जो लैक्लेंचे और डैनियल सेल है दोनों ही हमारे पास प्राइमरी सेल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेटअप है, जिंक रोड आपकी बाहर निकाल के रखी हुई, इसको आप प्रैक्टिकल करते टाइम ही इसके अंदर डालेंगे। ये आप अपनी कैलकुलेशन वगैरह बाकी रीडिंग की हेल्प से कर सकती हैं। गुड लक बेटा।